कैरिबियन सी के सेंट विंसेंट आइलैंड में पिछले दो दिनों के अंदर दो बार ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। पहले ला सुपीरियर वॉल्केनो में इरप्शन 9 अप्रैल को हुआ, जब 16,000 लोगों को उनके घरों से निकाला गया और सुरक्षित स्थानों में भेजा गया। यहां तक कि ज्वालामुखी विस्फोट से 200 किलोमीटर दूर स्थित देश बारबाडोस के लोगों को भी चेताया गया और घर में रहने की हिदायत दी गई। साइंटिस्ट का कहना है कि इरप्शन कई दिनों या फिर कुछ हफ्तों तक हो सकता है। वहीं सेंट विंसेंट में इमरजेंसी लगाई गई है, घरों उसमें बिजली और पानी की सप्लाई भी बंद है। सड़कों से लेकर पहाड़, पेड़ पौधे राख से भरे पड़े हैं। पीएम रैल्फ गोंसाल्वेस ने कहा कि वाटर की सप्लाई को एटमॉस्फेयर में सल्फर और वोल्केनिक ऐश के चलते बंद किया गया है। हजारों लोग इमरजेंसी शेल्टर में 9 अप्रैल से रह रहे हैं। वहीं पड़ोसी देश बारबाडोस की डिफेंस फोर्स को भी सेंट विंसेंट में डिजास्टर रिस्पॉन्स मिशन के रूप में भेजा गया है। आपको बता दें कि सेंट विंसेंट आइलैंड, जो कि कैरिबियन सी का एक हिस्सा है, वहां की कुल पॉपुलेशन 1,10,000 के करीब है। वहीं सेंट विंसेंट आइलैंड के पड़ोसी देश सेंट लूसिया और बारबाडोस में भी सल्फर गैस और उसी के साथ वॉल्केनिक ऐश की प्रेजेंस को देखा गया है। आपको बता दें कि कैरिबियन सी अटलांटिक ओशन का हिस्सा है, जो आसान भाषा में समझे तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के मध्य ईस्ट में स्थित है। आपको बता दें कि किंगस्टन सेंट विंसेंट की कैपिटल है। यहाँ के प्लेस टूरिस्ट डेस्टिनेशन के मामले में भी काफ़ी फेमस है।